जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ये जो डिफरेंशिएशन है जो आपको दिख रहा होगा, यदि आप इससे पहले कभी भी डिफरेंशिएशन ना पढ़े, मतलब समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन आप पढ़े ही ना है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा यदि अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आज जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, इससे आप डिफरेंशिएशन के इस टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ भी ना पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का आपको ए बी सी डी नहीं आता है, फिर भी आप डिफरेंशिएशन के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है, सबसे पहले तो आपके सामने ये सवाल है। सवाल कहता है कि वाई बराबर है लॉग एक्स के पावर 5, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है ना। ये सवाल आपका है कि y बराबर है log x के पावर 5, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, dy बटा dx का मान कैसे निकालेंगे, इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्या कि यहां पर लिख देगा d log log x के पावर 5 बटा में dx बराबर क्या होगा। ये दोनों तरीका है सवाल पूछने का, ठीक है ना। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे, एकदम आसानी से, चुटकी में सवाल होगा सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता है डिफरेंशिएशन, फिर भी आज इस सवाल का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसी का नहीं, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आप आसानी से। करना क्या है देखिएगा, जब आपका फंक्शन लॉग वाला हो, ध्यान से सुन लीजिए, जब आपका फंक्शन लॉग वाला हो, ठीक है ना, जब आपका फंक्शन लॉग वाला हो और यहां पर एक्स हो, पावर में कोई कॉन्स्टेंट आ जाए, पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जो पावर में होगा उसको ऊपर में लिखेंगे और ये एक्स जो रहेगा उसको नीचे में लिखेंगे। बस सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाइए, डिफरेंशिएशन पाइए। जो पावर में आपको दिख रहा होगा, जो पावर में कॉन्स्टेंट दिख रहा है इसको ऊपर लिखेंगे और ये जो आपको एक्स दिख रहा है इसको नीचे लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं। अब आप इसका बता दीजिए डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए, लॉग वाला फंक्शन है, यहाँ पर एक्स के पावर में 100 लिखा हुआ है, आपको क्या बोले हैं कि पावर को ऊपर में रखना है, पावर को ऊपर में रखना है, तो ये हो जाएगा 100 और बटा में एक्स को नीचे रखना है, तो कितना हो जाएगा 100 बटा में एक्स। अब आप इस तरीके के कोई भी सवाल जो लॉग वाला सवाल है, ठीक ना, उसके गुणांक में एक्स हो और पावर में कोई कॉन्स्टेंट आ जाए, जैसे एक सवाल और देख लीजिए, मान लेते हैं कि y बराबर आपका है log रूट अंडर x, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। log रूट x का होता है x के पावर में 1/2, नहीं, रूट x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2, और लिखेंगे कैसे, तो वही बात, जो आपका पावर में है उसको ऊपर लिखेंगे, नहीं, ऊपर लिखेंगे और x को कहाँ लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, यानी इसका हो जाएगा 1/2x, ठीक है। इस तरीके का और भी यदि कोई सवाल आपके सामने आ जाए डिफरेंशिएशन का, लॉग लगा हुआ रहे, x के पावर में कांस्टेंट आ जाए, तो आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।